12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ई श्रम पोर्टल पर नरेंद्र मोदी द्वारा लाइव आकर एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी शेयर की है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी द्वारा इस बात की घोषणा की जा चुकी है, जिन भी लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है उन सभी के खाते में 15,000 रुपये की धनराशि जो है वो डायरेक्टली उनके खाते में पहुँचाने की जो प्रक्रिया है वो नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जा चुकी है। और इसी बात की जानकारी देने के लिए नरेंद्र मोदी जी खुद लाइव आए थे। दोस्तों, अगर आपको ई श्रम पोर्टल पर पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़, और जिन लोगों को भी ई श्रम कार्ड पर पहली किस्त अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है 1,000 रुपये की धनराशि, वो अपना नाम और साथ ही अपने राज्य का नाम कमेंट पे मेंशन जरूर कर दें। नरेंद्र मोदी द्वारा सवाल जवाब करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। अगर आपको भी कुछ भी सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि गरीब मजदूर किसान भाइयों के लिए एक और नई योजना की शुरुआत की जाएगी भारतवर्ष में, और जिसकी शुरुआत अप्रैल 2022 में की जाएगी, जिसकी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, अगर आपने भी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप सभी के खाते में बहुत ही जल्द 15,000 रुपये की धनराशि पहुँचाई जाएगी। दोस्तों, अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।